तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। राह टीवी में खुश आमदीद। तो मिलते हैं आज की नई वीडियो में नए मौजू के साथ। तो बात करेंगे पाकिस्तानी वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स लिए। तो बताते चलें आपको, ज़्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाले शोएब मलिक पाकिस्तानी वाहिद खिलाड़ी हैं जिसने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑलराउंडर ज़्यादा मरतबा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ अपने नाम करने वाले ईशाई खिलाड़ी बन गए, यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने वाले शोएब मलिक पहले शाहिद अफरीदी थे। तो हम आपको बताते चलें कि शोएब मलिक ने जारी कौमी टी ट्वेंटी कप में सिंध के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेली। गैर मामूली मैच जीतने वाली इनिंग्स खेली। उन्हें 47 गेंदों पर 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 85 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई। ये शोएब मलिक का 35वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था, जो टी ट्वेंटी क्रिकेट की तारीख में किसी एशिया के बल्लेबाज ने पहले नहीं लिए। सबसे ज़्यादा शोएब मलिक ने साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने करियर के दौरान 34 अवार्ड जीते। शोएब मलिक अब तक 440 मैचों में 35 मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। शाहिद अफरीदी 326 मैचों में 34 मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। अगवान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी 303 मैचों में 32 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेकर तीसरे, पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल 281 मैचों में 29 अवार्ड हासिल करके चौथे, अगवान लीग स्पिनर राशिद खान 282 मैचों में 29 मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ पाँचवें, भारत के रोहित शर्मा 354 मैचों में 29 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने वाले हासिल करने वाले छठे भारतीय कप्तान, विराट कोहली 316 मैचों में 28 मैन ऑफ द मैच के साथ सातवें, बांग्लादेश के शकीबुल हसन 341 मैचों में 27 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने वाले आठवें खिलाड़ी साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर अजहर महमूद 230 मैचों में 26 मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करके 9वें नंबर पर हैं। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ 339 मैचों में 26 मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ 10वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। रहिए अल्लाह की पनाह में, अल्लाह निगहबान।